प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को अब वो भूमिका निभानी है जो सनातन धर्म की रक्षा को करते हुए विश्व में भारत के मान को ऊपर उठाने का काम करे। पार्टी ने टिकट दिया है, ये एक प्रसाद है जिन कार्यकर्ताओं की ताकत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी देश में सेवा का अवसर प्राप्त किए हुए है। उस सब के पीछे आप लोगों की ताकत है और किसी दूसरे की ताकत नहीं। और सिविल राइट्स की लड़ाई विशेष मायने रखती है। सिविल लाइन्स की लड़ाई विशेष मायने रखती है। ये भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी, अहंकार बनाम विनम्रता और राष्ट्र की पूजा करने के खिलाफ, राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई है। और इस लड़ाई के अंदर उन तत्वों की हार निश्चित है जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए, जो सार्वजनिक रूप से और मैं भारत माता के सेवक के रूप में केवल एक आश्वासन देता हूं कि गरीब आदमी के ऊपर अन्याय नहीं सहा जाएगा। गोपाल शर्मा, अगर कोई हरियन है अगर कोई 70 साल का एससी है तो उसके पसीने के सामने हमारा मस्तक झुकेगा, हम उनको प्रणाम करेंगे। यह जो पार्टी है आज हमारे बीच में, पद्मश्री मुन्ना मास्टर जी मौजूद हैं, कहीं पर अमित भारद्वाज जी हमारे पहले शहीद कारगिल के, उनके पिताजी ओपी भारद्वाज जी मौजूद हैं, मेजर जनरल अनंत माथुर जी मौजूद हैं, और यहाँ आने से ठीक 10 मिनट पहले मैं 3 लोगों से आशीर्वाद लेकर के आया हूँ। और वो आशीर्वाद है बाल गंगाधर तिलक के प्रपोत्र शैलेश तिलक का, मंगल पांडे के पुत्र रघुनाथ जी पांडे का, और वो आशीर्वाद है जो हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है, भगत सिंह जी के भतीजे का। और जब मैं सुबह निकला मोती डूंगरी गणेश जी के लिए, तो जिस व्यक्ति से आशीर्वाद लिया उनके लिए हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गर्व करता है। मैंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से आशीर्वाद लिया, और मेरे बलिदानी तेवर हैं, कार्यकर्ता की जान बाद में जाएगी, पहले मुझे शहादत चाहिए। तुष्टीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तुष्टीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सिविल लाइन में तुष्टीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और अशोक गहलोत जी अपने उस बंगले का इंतजार करें जो वो हारने के बाद लिया करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विद्यार्थी परिषद के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 50 साल 40 साल पुराने कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे हैं, जो विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय मंत्री रहे हैं, ऐसे सुनील भार्गव जी,
मेरे साथ में सुरेश मिश्रा जी हैं, जिन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए लाठी हटाने का काम किया, और मेरे सामने एक बिल्ला लगा हुआ है जिस पर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फोटो है, और मेरे मस्तक के ऊपर भारत माता का आशीर्वाद है, और मोदी जी का नेतृत्व हमारे लिए सर्वोच्च है। ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल की तैयारी जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसके अंदर राजस्थान के लिए तो कांग्रेस भूल ही जाए। 400 का आंकड़ा भी क्रिकेट के अंदर पार हुआ है, और विश्व के अंदर मोदी जी से बड़ा कोई बैट्समैन नहीं है। सबको प्रणाम करता हूँ, हम लोग सीधे वहाँ चलेंगे, वहाँ बहुत सारे मंदिरों से भी आशीर्वाद देने के लिए आए। एक मैं और कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय क्रांतिकारी परिवार संगठन, राष्ट्रीय क्रांतिकारी परिवार संगठन